नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मौदा तालुका में आरोग्य केंद्र के कर्मचारी ने मरीज को ट्रैक्टर से पहुंचाया उपचार केंद्र, अपनी जान जोखिम में डालकर कराए मानवता के दर्शन। विदर्भ के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी, रेड एंड ऑरेंज अलर्ट जारी। अमरावती में चालक द्वारा बाढ़ के पानी में चलाया गया ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के साथ 5 लोग बहे। अब खबरें विस्तार से। जिले के मौदा तालुका में बहने वाली सांड नदी को पार आने की वजह से सभी और पानी होने के बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर प्राथमिक आरोग्य केंद्र के कर्मचारी रुग्ण सेवा देने पहुंचे। गांव के एक मरीज को ट्रैक्टर से नदी का पुल पार करवाकर तारसा आरोग्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचाया गया। डॉक्टर मोनाली, सुधा सिस्टर और एम्बुलेंस ड्राइवर विजय हटवार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना कर्तव्य निभाया। तालुका के तरसा गाँव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 15 गांवों का इलाज किया जाता है और कल से नदी में बाढ़ आ गई है, इसलिए लोगों ने आना जाना बंद कर दिया है। कल दोपहर तारसा के पास स्थित एक गांव के युवक को सर्पदंश हुआ। एक आरोग्य कर्मचारी ने उस व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरा करते हुए व मानवता दिखाते हुए सांड नदी को बाढ़ आने के बावजूद पुल के ऊपर से ट्रैक्टर पर उपचार के लिए तारसा आरोग्य केंद्र पहुँचाया। तारसा आरोग्य केंद्र में उपचार कर उसे जिला रुग्णालय में दाखिल किया गया है। उक्त नागरिक प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि तारसा गांव में आने वाली सांड नदी के पुल को तत्काल ऊंचा किया जाए। वहीं ग्रामीणों ने चिकित्सा सेवा व सरकारी अधिकार की मांग की है। वाशिम जिले में पुसत क्षेत्र के साथ साथ पूस नदी क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण पूस नदी के पुल से पुसत दिग्रस मार्ग पर पानी बह रहा है। इससे पुसत दिग्रस मार्ग पर यातायात ठप हो गया है। उस नदी में आई बाढ़ को देखने के लिए पुसतकरों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पुल पर पानी बहने से वाहनों की कतार लग गई है। उस परियोजना के ओवरफ्लो होने से नदी किनारे गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। ढोलक मारा था कि नहीं पिछले वाला? नहीं, एक दिन मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कई हिस्सों के लिए अगले 5 दिन तक भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की चेतावनी देते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने गढ़चिरौली, चंद्रपुर और गोंदिया के विभिन्न हिस्सों में सोमवार एवं मंगलवार को मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विदर्भ के गोंदिया, वर्धा, वाशिम एवं यवतमाल जिलों में एक या दो स्थानों पर सोमवार से बुधवार तक भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है और इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि अगले 5 दिनों तक नागपुर, भंडारा, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती, यवतमाल, वर्धा जिलों में एक दो स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती है। अपराह्न 1 बजे जारी पूर्वानुमान के मुताबिक चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और भंडारा में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अनुसार अकोला, वाशिम में कई जगहों पर, यवतमाल और अमरावती में कुछ स्थानों पर तथा भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर एवं वर्धा जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावेदारी के समर्थन में दस्तावेज जमा कराने के लिए 4 हफ्ते का समय निर्वाचन आयोग से मांगा है। पार्टी नेता ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पिछले महीने निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को 8 अगस्त तक पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर और धनुष पर अपने अपने दावे से समर्थन में दस्तावेज जमा कराने को कहा था। ठाकरे के प्रति निष्ठावान अनिल देसाई ने कहा, हमने निर्वाचन आयोग से 4 हफ्ते का समय मांगा है क्योंकि बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पहले अर्जी पर फैसला हो जाए, इस मुद्दे पर बाद में फैसला हो सकता है। गौरतलब है कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा था कि वो एकनाथ शिंदे गुट की अर्जी पर कार्रवाई नहीं करे, जिसमें उसे वास्तविक शिवसेना मानने और पार्टी चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। खबरों के सिलसिले में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आप सबका फिर से स्वागत है। नंदगांव खंडेश्वर तालुका में बेमला नदी पर पुल पार करते समय कल शाम 7 बजे जवारा मोलवन में बाढ़ के पानी के पूर्वानुमान की कमी की वजह से ट्रैक्टर पर सवार 5 लोगों के साथ एक ट्रैक्टर के बह जाने की चौंकाने वाली घटना हुई। बाढ़ के पानी में ट्रैक्टर डालने से सभी की जाने चली गई। जिले में लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई जगहों पर नदियों और नालों में पानी भर गया है। कल से पूरे जिले में सतनधार चल रहा है। जिले के कुछ हिस्सों में बादल फटने जैसी बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है। इसी तरह नंदगांव खंडेश्वर तालुका में जावरा मूलवन से बहने वाली बेमला नदी में भीषण बाढ़ आई है। 5 लोग एक ट्रैक्टर पर नंदगांव से जावरा मूलवन जा रहे थे, हालांकि उस रास्ते पर पुल से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। ट्रैक्टर चालक को लगा कि वो पुल पार कर पाएगा, इसलिए चालक ने ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया। 5 लोग ट्रैक्टर पर सवार थे, लेकिन जब चालक ने पुल से ट्रैक्टर निकाला, बाढ़ के पानी के कारण चालक को पुल के ऊपर से बहने वाले पानी की आशंका नहीं थी। चूंकि पुल में सुरक्षा के लिए कोई साइड बार नहीं थी, इसीलिए पुल को पार करने में तीनों की जान चली गई। चालक को पानी और सड़क का अंदाजा नहीं था। चालक ने ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया और ट्रैक्टर नदी में चला गया। ट्रैक्टर को डूबता देख 2 लोग किसी तरह बाहर निकले, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कैबिनेट विस्तार को लेकर सवाल उठाया है, जबकि कैबिनेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शनिवार को मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, रविवार को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है तो ये सरकार न्यायपालिका संविधान से भी बड़ी है, ऐसा उन्होंने सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में जहां कैबिनेट का मामला लंबित है, वहीं कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, रविवार को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है तो क्या सरकार की न्यायपालिका संविधान से बड़ी है, ऐसा सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उठाया है। वो नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। सेवाग्राम आश्रम वर्धा से आज़ादी का अमृत महोत्सव अगस्त क्रांति दिवस से शुरू हो रहा है। इसके लिए ये राज्य भर के सभी राजस्व विभागों के पास जाएगा।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस की ओर से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के दौर में किए गए कार्यों का लेखा जोखा इस वॉक के जरिए जनता तक पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 12,751 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,31,807 हो गई है। देश में कल 16,167 नए मरीज दर्ज किए गए हैं, यानी महज 24 घंटों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,000 हो गई है। साथ ही कोरोना का पॉजिटिव रेट 3.5% है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने 40 दिन पुराने मंत्रिमंडल का आज विस्तार करेंगे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को ये जानकारी दी। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में सुबह 11 बजे होने की उम्मीद है। दोनों पक्षों के 6 से 8 विधायक शपथ ले सकते हैं। बता दें कि शिवसेना विधायक शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। सोमवार को शिंदे और फडणवीस ने कैबिनेट विस्तार के पहले मालाबार हिल में 1.5 घंटे से अधिक समय तक बैठक की। शिंदे ने मराठवाड़ा क्षेत्र में नांदेड़ में कहा, मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार होने की उम्मीद है। शिंदे के एक करीबी सहयोगी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि दक्षिण मुंबई में राजभवन में पूर्वान्न 11 बजे निर्धारित समारोह में एक दर्जन मंत्री शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि अगले दौर का विस्तार बाद में होगा। मुख्यमंत्री के सहयोगी ने कहा, राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र जल्द होना है, इसलिए हमने मंत्रिमंडल विस्तार में 12 विधायकों को शामिल करने का फैसला किया। मंगलवार को शपथ लेने वालों में कुछ विधान परिषद सदस्य भी शामिल होंगे। तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।